मंत्र के साथ बोलूंगा, ओम हरि ही ओम मैं भो दीप दीपम यावत्म काफी सावत्म सुस्त्र भव दीप ज्योति प्रभम दीप ज्योति दीपो हूमि भवम दीप ज्योति नमस्ते। क्षेत्र के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज की दूसरी पुण्यतिथि पर एसडी महिला कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम हांसी मोहित मेहराणा, समाज सेवी मोनू हुड्डा, विधायक पुत्र साहिल भ्याणा, कांग्रेस नेता गौरव संपत, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, हांसी नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी, डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल, कांग्रेस नेता प्रेम मलिक, वरिष्ठ नेता हरपाल बुरा, नगर सुधार मंडल के पूर्व चेयरमैन सतपाल खांडेवाला, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सुमन शर्मा, बीजेपी की नेत्री गायत्री यादव, हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिवाच, समाज सेविका वीणा चौधरी, महिला प्रधान शमा मनोत्रा, कांग्रेस नेता विकास नुनाच, समाज सेविका सुदेश जैन, नगर पार्षद किरसन सैनी, टीम ईश्वर सैनी खेड़ू, कांग्रेस नेता आनंद जाखड़, देवेंद्र मेहता, नगर पार्षद सुनील सैनी, अजय सैनी, संटी भुजेजा, नगर पार्षद आशीष पिंकू, महिला कॉलेज के प्राचार्य सुरेश गुप्ता, हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी व उद्योगपति विनय जैन व गौरव जैन, टीम नरेश यादव, शहर थाना प्रभारी उद्यवान गोदारा, सब्जी मंडी के प्रधान अनिल चावला, आप नेता यशपाल सैनी, सचिन जैन, स्कूल यूनियन के प्रधान अनिल कुमार सहित भारी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आइए मोदी का सभी को मेरा नमस्कार। कौन है उसी फैमिली? पूरी फैमिली आ रहा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस रक्तदान शिविर के आयोजन पर मैं यहाँ पहुँचे हमारे हांसी की सभी जानी मानी हस्तियों का, प्रेम सिंह जी का, सुमन जी का, गायत्री जी का, हमारे विनय भाई और राजकुमार पाली जी और जयसिंह पाली जी, सभी हमारे पत्रकार छायाकार बंधुओं का, सभी का, वीणा जी का और सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। जब भी हम पारिवारिक मूल्य की बात करते हैं, जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की, तो वो सभी एक तरफ और एक जो जीवन हम किसी का बचाते हैं वो मूल्य एक तरफ, जीवन किसी का बचाने के, कभी हमने कुछ दिन पहले भी एक देखा था, हमारे पुलिस वाले साथी थे, उन्होंने किसी महिला की जान बचाई। तो मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उस साथी के लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे जो पुलिस वाले हैं और जो ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो दूसरों की जान की परवाह करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हम ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ रहा है उन मानवीय मूल्यों के बल पर। और आज इसी कड़ी में हमारा एक जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है वो दिखाता है कि हम जो मानवीय मूल्य हैं उनकी कितनी कदर करते हैं। हम एक दूसरे की जान की परवाह करते हैं, हम समाज की परवाह करते हैं, हम मानवता की परवाह करते हैं। और आज इस ब्लड डोनेशन कैंप को लगाया अपने पिता स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी की अपनी पुण्यतिथि पर भारद्वाज परिवार ने लगाया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी भारी संख्या में युवाओं को मोटिवेट किया ब्लड डोनेशन कैंप में आने के लिए। साथ ही अमर उजाला फाउंडेशन का, प्रकृति मित्र समिति का, सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा स्कूल, हमारा जो कॉलेज का स्टाफ है, महाविद्यालय का स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब, गीता जी और सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम के भव्य आयोजन में अपना
योगदान दिया। आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने जो नैतिक मूल्य हैं उन सबको बनाए रखने, अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपने जो युवा साथी हैं एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, अपने समाज का चारों तरफ का ध्यान रखेंगे, तभी हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को साफ स्वस्थ रखेंगे और एक नए प्रगति के पथ पर ले जा पाएंगे। आप सभी यहाँ आए और जो साथी, जो मेरे कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुतियाँ दी, हमने कुछ दिन पहले भी उन सभी को सम्मानित किया था, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश प्रदेश में कॉलेज का इस तरीके से नाम रोशन किया है। तो एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जी भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ। हालांकि मेरी उनसे वार्तालाप ज़्यादा नहीं हुई, मिलना जुलना रहता था, समय समय पर उनका आशीर्वाद भी लेते थे, लेकिन मेरे पिताजी फादर साहब के साथ उनका अच्छा बोलना मिला था। शायद आजकल आज मेरे पिताजी आते तो आप उनके बारे में बहुत कुछ आपको बता। हमने तो सिर्फ एक पीढ़ी से पीढ़ी जोड़ने का काम किया, जो मेरे भाई हैं गुरदीप जी हो गए, दूसरे जो ब्रदर हैं इंद्र जी हो गए, हमने तो उनके बाद अपनी पीढ़ी को इनसे जोड़ने का काम किया है, ताकि जो संबंध और जो प्यार हमारे पिताजियों के बीच में था वो आज हमारे भाइयों के बीच में। तो आज मैं इनको बधाई देता हूँ, इन्होंने एक नेक काम करने का काम यहाँ किया है। रक्तदान सबसे महान दान बताया गया है, तो आज इन्होंने सभी आर्य प्यारी सभी समाज सेवियों को यहाँ पर बुलाकर उनका सत्कार किया है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए भी मेरी शुभकामनाएँ। और इसी तरीके से अमंतर जी की याद में हर साल कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहे, मेरी यही प्रार्थना है, ताकि जो उनकी यादें हैं वो ताज़ा, उनसे एक बार सीखने को जरूर मिली जब भी मौका मिला कि जो भी काम करो, जो भी कार्य करो, दृढ़ता के साथ करो। डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, सही मायने में दबंग थे। स्टेज पे चढ़ जाते थे तो मजा ले कोई उंगली इधर उधर हो जाए, और जो अपनी बात थी वो कहते थे और तर्क के साथ उसको मनवाते भी थे, तो उनसे सीखने को भी कुछ चीज़ें मिली है। आज शादियां पर और यहाँ पर बहुत से समाज से भी सारे समाज से जुड़े हुए लोग आए हैं, मुझे पता है आज सभी शादियों में भी आप सब लोग व्यस्त होंगे। आप लोगों ने भी यहाँ पर इस नेक कार्य के लिए अपना समय निकाला और यहाँ पर आए, अच्छा अपनी हाजिरी के मायने से एक यहाँ पर अपना वक्त दिया, तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। पारिवारिक संबंध रहे और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं उनके सुपुत्रों के साथ भी मेरा अच्छा हार्दिक स्नेह उनको रहता, आशीर्वाद रहता है। जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मेरे आदरणीय स्वर्गीय बड़े भाई नरेंद्र भारद्वाज जी एक प्रख्यात वक्ता रहे हैं और निर्भीकता के साथ अपनी सच्चाई को हमारे बीच रखते रहे हैं। मुझे और भी फख्र की बात है कि उनके अंतिम समय में मेरी तीन चार मुलाकातें हुई, बड़ा प्रेरित मुझे करके गए, कुछ दिशा निर्देश भी दिए, तो उनका मैं अनुसरण करता हूं और इस पावन में जो ये रक्तदान शिविर लगाया है इसके लिए पूरे भारद्वाज परिवार को, पूरी हाशिम की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक आभार भारद्वाज परिवार का करता हूं कि समाज के लिए आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और इनको करते रहे। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सब को राम। श्री नरेंद्र जी की
दूसरी पुण्यतिथि पर जो यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें सभी जितने भी मेडिकल स्टाफ, मेरे युवा साथी, भाई बहन, बच्चे, जिन्होंने भी इस रक्तदान शिविर के अंदर अपना हिस्सा लिया है, मैं उनको तो धन्यवाद करता हूं और मेरे भाई की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मेरे परिवार के सदस्य हैं पंकज जी, ललित जी, गुरदीप जी, जितना भी ये भारतवाल परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के बड़े भाई मुखिया थे, वो मेरे सामने आज के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, हिंदू महासभा के हरियाणा के प्रधान शिवाज साहब, धर्मपाल जी, हाशी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रेम सिंह मलिक जी, चौधरी जय सिंह पाली जी, भाई यशपाल सैनी जी, अमानो साहब, भाई समोधा जी, राजेश कासनिया जी, भाई विजय रशीद जी, अनिल कौशिक जी, भाई नंदकिशोर नंदू जी, नगर परिषद में हमारे सम्मानित नगर पार्षद भाई कृष्ण सैनी पार्षद के साथ जो पूरी टीम मंडी सैनिया से युवाओं की जो टीम आई है, उनका भी तहे से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे भतीजे विनय जैन जी पूरी टीम के साथ आए, पप्पू गुर्जर जी और जितने भी ढाणा गांव से टीम आई है हमारे यादव साहब की, उनकी सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देखो जो ये हमारे बच्चों ने अपने फादर के बारे में, हमारे भाई के लिए जो पुण्यतिथि का आयोजन करके जो रक्त का जो ये आयोजन किया है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। दुनिया में पैसा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब रक्त की किसी को मरीज को जरूरत होती है तो ये बेकीमती हो जाता है। तो आज सैकड़ों युवाओं ने यहाँ पर पहुँच करके हमारे भाई को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और ये रक्त का जो दान किया उसके लिए मैं पूरे जितने भी समाज के सभी राजनेता लोग, स्कूल का स्टाफ, मैडम, प्रिंसिपल सभी का हार्दिक दिल से, क्योंकि मैं अभी इनके परिवार का भाई हूँ, इनका हार्दिक दिल से, भाई अजय भारद्वाज जी भी हैं, सभी का हार्दिक दिल से और मेरे बहुत ही मजबूत हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर, जिनका पूरे हरियाणा के अंदर नाम है, जो कवि भी है, खिलाड़ी भी है और पुलिस अधिकारी भी है। ऐसा पुलिस अधिकारी देखो हम सबका सम्मान करते हैं जिसने पुलिस की वर्दी पहन ली, लेकिन ऐसा पुलिस का ईमानदार और संघर्षशील सबसे मिलने वाला अधिकारी यह हमारा नसीब अच्छा के आरसी के अंदर लगे हुए हैं, इनका भी हार्दिक से धन्यवाद करता हूँ। तो सभी का पुण्य यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद और मेरे बड़े भाई को श्रद्धांजलि अर्पित। बहुत बढ़िया सुमन जी, आपने रोजगार बनाए और भाई देवान जी का सबका अपना आभार किया और भारद्वाज परिवार को आपने आत्मीयता का परिचय दिया। मैं निवेदन करूंगा ये भाई जय सिंह दीपाली, जय सिंह दीपाली जी का वोट क्या, जो कंबल है सर्दी का कंबल काट कर आइए, जय सिंह जी आप हर कामयाब रहते हैं और गिल्लू बाटोल आइए, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, शिक्षा जगत में हैं, गिल्लू बाटोल आपका बहुत बड़ा स्वागत है यहाँ, आइए जय सिंह दीपाली जो पिछले कई साल से सामाजिकता में केवल केवल सामाजिकता में काम कर रहे हैं, इस परिवार के बारे में रक्तदान के बारे में जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज हमारे स्वर्गीय हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी भारद्वाज, जिनके साथ पारिवारिक संबंध कई सालों से है और जो ये आज हमारे ललित जी गुरु बड़े के अच्छे इंसान भी थे और वाक्य में पत्रकार जो होता है उसी प्रकार के पत्रकार भी थे। ये 25 साल पहले की बात है, मैं हाशी का कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था और गुप्ता जी एक ब्लॉक के अध्यक्ष, दो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मैंने उनको कहा, कई बार उनके साथ अच्छी दोस्ती थी नरेंद्र जी के साथ, तो मैंने कहा भाषा गुप्ता जी की ब्लॉक अध्यक्ष है, मेरी ब्लॉक अध्यक्ष मेरा तीसरा नाम कैसे लिख दिया। तो मेरे को कहने लगे हरपाल भाई तेरे साथ दोस्ती है, भाई तेरा वो अलग है, मैं कभी भी वरिष्ठता के क्रम को तोड़कर किसी का नाम नहीं लिखता। मुझे आज उनको ये शब्द याद है, सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आप भी दोनों भाई जो प्रेस का काम देखते हैं
उनको अनुकरण करें और उनकी कार्य प्रणाली को अल्पक देखों का अनुसरण करें ताकि ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये जो रक्तदान शिविर है इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। और हमारे कई लोगों पर बहन भी है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, रक्त कम हो जाता है, लेकिन 72 घंटे के बाद ये शरीर में रक्त की पूर्ति हो जाती है। और ये हर व्यक्ति को 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार रक्तदान शिविर अवश्य करना चाहिए। और ये अजय भारद्वाज जी भी पेट मोटा हो गया भाई के बाद, तो मैं आपके सभी के बीच में एक श्रद्धांजलि के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र भारद्वाज जी एक अच्छे पत्रकार, एक इंसान भी थे और उनके पुण्य के लिए मैं उनको पुण्य प्रणाम करता हूँ। आपका ज्यादा समय न लगेगा, मैंने कहीं जाना, आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। इनके परिवार के सदस्य हैं और हमारे आज के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब की तो जितनी तारीफ करें उतनी थोड़ी है, हर फंक्शन में भाग लेते हैं, युवा है और इतना उनका दायित्व है, वो अपने दायित्व को पूरा निभा रहे हैं। और हमारे इंस्पेक्टर साहब उदयवान जी, हमारे बड़े भाई धर्मपाल शिवाद जी, भाई प्रेम जी, गायत्री देवी, सारा नाम सुरेश जी और अपना से थे, आज उनके बेटों ने उनको एक जिंदा रूप देके बल्ब कैंप लगाया, इसके लिए उनके बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और ये छोटा काम नहीं, और जैसे अपने बंसल साहब करे थे कि जो भी ये पत्रकारिता का काम करते हैं वो ईमानदारी से, निष्ठावान, और रात को भी ललित को कोई टेलीफोन करता है तो ललित रात को भी पहुंच जाता है। कोई भी काम हो उसका अधिकारियों को भी पता लगता है, शहर में पता लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, ये है। तो ललित का बहुत ही, जो भी इसका चैनल है हरियाणा पोल खोल न्यूज, और भाई नरेंद्र के बारे में तो आप सारे जानते हैं, उन्होंने तो बहुत ही साधारण परिवार से उठ के उन्होंने अपना नाम रोशन किया, और हमारे जो अजीज हैं इन्होंने भी अपना नाम, आज उनके पिताजी का जो ये कहे हर आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए सारे परिवार का धन्यवाद। और हमारे पंडित जी का भी धन्यवाद, ये भी हर सोशल काम में भाग लेते हैं। तो सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बुजुर्गों बच्चों, मैं सबसे पहले तो उस महान शख्सियत जिनकी याद में आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है उनको नमन करना चाहूँगा और उनकी तारीफ करना चाहूँगा जो उन्होंने इतने अच्छे संस्कार डाले अपने बच्चों के बीच में, चाहे हमारे बड़े भाई दलित जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे पंकज जी हो। ये निश्चित तौर पर ही उनके संस्कार हैं जो इन तीनों भाइयों के बीच में है। आज भी सुबह से लेकर शाम तक, रात को चाहे रात को 12 बजे चाहे सुबह 4 बजे, शहर की, समाज की, हल्के की सेवा करने में लगे रहते हैं। मैं तो नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि वह उस महान शख्सियत को अपने चरणों में स्थान बनाए रखना, और जो उन्होंने संस्कार दिए इन तीनों भाइयों में, इस संस्कार को ये आगे बढ़ाते चले और उनका नाम और रोशन करते चले और इसी तरह समाज में अग्रणी कार्य करते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्रिगेड। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर, हमारी पूरी टीम आई हुई है, सभी साथियों ने रक्तदान किया है। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर आपने जो यह प्रोग्राम किया पत्रकार साथियों ने, उसके लिए आप सभी का भी आभार। रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है, सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वैसे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ, सादर आमंत्रण करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर आज जो रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है, इसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया है,
महाविद्यालय के स्टाफ की तरफ से भी निषेधाज्ञा रही है और समस्त हासी की तरफ से इसमें निषेधाज्ञा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का एक अवसर रहा जिसमें दिखा कि हाँ हम सब देश के लिए तैयार हैं और हमारे खून किए कि खून इस देश के लिए जरूरत पर हाजिर है। इस अवसर पर महाविद्यालय की एनएसएस की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर काम किया है, तो मैं सभी एनएसएस की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आप में मैडम मोदी जो एनएसएस सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, हर लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस लोगों को बहुत सहायता मिलती है और इस लोगों को बहुत सहायता मिलती है और हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। भारत माता की। सबसे पहले मैं वीणा वादिनी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद आज जो ये कार्यक्रम हमारे बाऊजी जिनको मैं गुरु कहूँ, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और कलम के सिपाही नरेंद्र भारद्वाज जी के दूसरी पुण्यतिथि पर उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं प्रणाम करती हूँ हमारी माता जी को जो भावुकता के इस क्षण में जो थोड़ी सी भावुक होकर आज एक बहुत अच्छी मैनेजर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में भी और अपने परिवार को एक उच्च पद प्रदान करके एक उच्च नाम प्रदान करके उनको एक अच्छे तरह से अच्छे सलीके से नियम से नीतियों से बनाए हुए हैं, मैं उनका भी वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारी पत्रकारिता के जगत से यहाँ पर सभी आए कलम के सिपाही पत्रकार बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही सम्मानित मंचा सिंह और आज के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब और उदय खान गोदारा जी, धर्मपाल सिवाज जी, प्रेम मलिक जी, जय सिंह पाली जी, यशपाल जी, राजेश कासनिया जी, रिंकू सैनी जी और हमारे जिस कॉलेज से मैं पढ़ी, इस प्रांगण में जो ये भव्य आयोजन किया जा रहा है रक्तदान महादान, हमारे प्रिंसिपल गुप्ता सर जी और यहाँ पर बैठे तमाम मेरे गुरुजन जिनसे मैंने यहाँ पर शिक्षा ली, मेरी माताएं बहनें बच्चे प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। रक्तदान के बारे में ये कहना चाहूँगी कि रक्तदान वो दान है जो किसी की रगों में बहकर हमें जीवन प्रदान करता है। तो आइए हम ऐसा रक्तदान करें, किसी को अंग प्रदान करें ताकि हमारा जो जीवन का अंग है वो दूसरों के जिस्मों में दौड़ता रहे, बहता रहे। रक्तदान करता है जो, असल में है वह देव तुल्य और असल में है वह है इंसान। तो रक्तदान के बारे में हम बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मैंने भी मेरे जन्म दिवस पर रक्तदान का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और मैं ये कहती हूँ कि इसके साथ साथ एक युवा होने के नाते, महिला होने के नाते ये कहूँगी कि जिन बेटियों ने आज यहाँ पर रक्तदान किया है उनके बारे में दो लाइनें कहूँगी कि कहाँ डरती हैं बेटियाँ, उनको तो डराया जाता है, लोग क्या कहेंगे ये शब्द कहकर डराया जाता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि महिलाएं भी आज किसी क्षेत्र में कम नहीं है, आप उनकी वो ताकत हैं, आप उनके वो कदम हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर समाज में एक जो दो फूलों को रोशन करती हुई महिला है, दो फूलों को रोशन करती हुई बेटी है, उनके आप पंख लगा सकते हैं और एक अव्वल दर्जे का समाज में नाम बना सकते हैं। मैं पिछले समय में एसडीएम साहब की एक वीडियो देख रही थी दीपावली के समय पे, इनके माता पिता जब मीडिया के सामने आए तो मैं कहूंगी एसडी कॉलेज में हमारे गुप्ता सर बैठे हैं, एक मोटिवेशन स्पीच बच्चियों के सामने हमारी एसडीएम साहब की करवाई जाए, क्योंकि ये वो प्रेरक हैं। जब देखिए विधायक का बेटा विधायक बन जाता है, प्रधानमंत्री का बेटा अच्छे दर्जे को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग समाज में उभर कर आते हैं तो इतिहास रचते हैं और बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो,
उसमें हमारे जब मिडिल क्लास के बच्चे एक छोटे से गांव से निकलते हैं, छोटे से कस्बे से निकलते हैं, वार्ड से निकलते हैं, मोहल्ले से निकलते हैं, गली से निकलते हैं, तो एक प्रेरणा बनकर अपने हांसी में, अपने हरियाणा में, अपने भारत में एक अलग ही तर्ज पर उनका नाम देखने को मिलता है, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। आपकी ये बेटी हांसी के एक छोटे से शहर से निकली है, फौजी की बेटी है, जवान की बात करती हूँ, किसान की बात करती हूँ, और जवान के किसान की बात करते हुए एक ही बात कहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे नियम में अच्छी नीतियों में ढालिए, ताकि वो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए एक उल्लेख हम कर सकें कि हम एक ऐसे समाज के निर्माण में, एक समाज की नींव रखने के लिए लगे हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। समय कम है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा दम तुम लगा दो, थोड़ा सा दम मैं लगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हांसी। अभिनंदन है, स्वागत है। आज भारद्वाज परिवार ने अपने पिता के दूसरी पुण्यतिथि पर जो रक्तदान कैंप लगाया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और मैं भारद्वाज परिवार को अपनी तरफ से इस शुभ का, जो इन्होंने रक्तदान लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए जो आज इतना बड़ा कदम उठाया है, मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इसी और जो हमारे स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी थे, उन्होंने अपनी पत्रकारिता के अंदर निडरता से आवाज उठाई, और मैं हमेशा हमारे पिता समान हमारे लिए आदरणीय रहे, मैं इसी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भारद्वाज परिवार को, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर को आगे बढ़ाया। सभी से निवेदन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के, जिससे हम लोगों की जान बचा सके। संसारण वो कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। आज आखिरी स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी हमारे पिता तुल्य है, जो इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य, जैसा कि आप अक्सर सभी विद्यार्थी और सभी को सुनने को मिलता है कि आप नहीं, आपका काम बोलता है, तो इसी तरीके से हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी के समाज में किए हुए कार्य जो सदैव अजर अमर रहेंगे, उन्होंने पत्रकार के माध्यम से ऐसी अपनी छाप छोड़ी है, और मैं तो आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने उनके वाक्य हांसी ही चंडीगढ़ में भी सुनने को मिले कि आपके हांसी के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो उनको ये बात कहते थे कि भारद्वाज जी आप किसी भी विभाग में अगर चेयरमैन का पद लेना चाहते हैं तो आप ले, आप अगुवाई करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पत्रकारिता ही करनी है, हांसी क्षेत्र में ही रहना है, और यही काम करते रहे। वो इतने करीबी थे हुड्डा साहब के, उन्होंने बिना किसी लोभ लालसा के काम किया, सेवा भाव से, बिना किसी पद के लालच में। तो इंसान जाने के बाद देखते हैं उसको कुछ समय बाद बुलाया जाता है, लेकिन उनके आदर्श हम कभी नहीं बुला पाएंगे, मैं तो आभार व्यक्त करता हूं। और सभी विद्यार्थियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ उपस्थित है, भाइयों को देखें कि अपने शास्त्रों में भी भगवान से बड़ा जिसको बताया गया है वो हमारे माता पिता है, तो कभी भी आप अपने माता पिता के सामने ना बोले, उन्हीं के पत्तियों पर चलते हुए आप पूरा जीवन उनकी सेवा में अर्पण कर दे, समर्पित कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता जी सर्वे नरेंद्र भारद्वाज जी दूसरी पुण्यतिथि, उनका जीवन का बहुत ही सुंदर ढंग से वे मेरे पिताजी के परम मित्र थे, जब स्कूल आते थे
तो उनका एक घंटे दो घंटे यही बता रहता था कि क्या बात है। ऐसे आज हम नमन करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उन जैसे विचार, उन जैसे सोच सभी को मिले परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, जो पुत्र हैं इतने नेक कार्य करने लगे हैं, तो उनका भी हाल की हाल भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, वंदे। आइए मैं कमलेश शास्त्री आज दिखा रहा हूँ, आज शहर में वो कैंप लगा है बहुत जबरदस्त कैंप, तूफानी कैंप जिनका रिकॉर्ड टूटा है सैकड़ों की संख्या में। आज मैं एसटी कॉलेज महाविद्यालय में खड़ा हूँ, जिनके कमलेश शास्त्री दिखा रहा हूँ मैं। स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर जो कैंप लगाया है आज बाबा ने, पूरा शहर उमड़ा है, बच्चे बूढ़े जवान जबरदस्त शहर पूरा खचाखच ये होल भरा हुआ था। मेरे साथ खड़े हैं जबरदस्त आदरणीय जिन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है कॉलेज को आगे चलाने का, आज श्री सुरेश कुमार जी गुप्ता जिनका बहुत बड़ा नाम है। मैं देख रहा था कि सैकड़ों की संख्या में NSS और ये जो कैंप के द्वारा मैं देख रहा था पूरा स्टाफ यहाँ दिखा रहा हूँ, आज बताएंगे और पूछेंगे। श्री सुरेश कुमार जी आपको प्रणाम। मैं सबसे पहले ललित भारद्वाज जी को, जो आपके पिता श्री नरेंद्र भारद्वाज के सेकंड पुण्यतिथि पर आपने ये सफल आयोजन किया रक्तदान महादान, ये जितने एक्टिव हैं उतने ही एक्टिव इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में आपने अहम भूमिका अदा की है, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्री नरेंद्र भारद्वाज जी को। और जो क्रियाकलाप जो उन्होंने श्री नरेंद्र भारद्वाज जी ने इनके परिवार के लिए स्थापित किए थे और वो इसको चिरस्थायी आगे जारी रखेंगे, इन्हीं उम्मीदें के साथ भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए जाने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन था रक्तदान का, और मेरी छात्राओं ने और मेरे पूरे स्टाफ ने इसको एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा सबको, और छात्राओं ने और समाज के जितने भी हंसी के लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना रक्तदान किया। बहुत अच्छा कैंप रहा है ये सुरेश कुमार जी। मेरा एक प्रश्न आपसे, मैं देख रहा था सुबह से ही बच्चे अपने आप लगे हैं, अपने आप रंगोली, अपने आप गाना और अपने आप तैयारी। सुरेश जी आपका एक बहुत बड़ा पीछा जो आपने यहाँ कई देखे कैंप बहुत लगे हैं, आज इस कैंप के बारे में भारद्वाज परिवार ने जो कैंप लगाया है और आपकी जो उपलब्धि रही है, ये उपलब्धि इस कॉलेज के बारे में कैंप का बताएंगे कैसे रहा। मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा ललित जी का, ललित भारद्वाज जी का पत्रकारिता में जो नरेंद्र भारद्वाज ने जो छाप छोड़ी थी उसी के तहत मेरी छात्राओं के जो भी आयोजन हो ललित जी तुरंत इनका जो मार्केट में एक्सपोजर होता है वो आगे सामने रखते हैं। मेरी छात्राओं में पूरा इस बात का हर्षोल्लास था कि ललित जी अपने पिता की पुण्यतिथि पर इसका आयोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना बुलाए बिना कुछ कहे सारी छात्राओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इसमें भाग लिया और उनको सबको अच्छा लगा। आज उन्होंने बड़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट भी इंजॉय की और उनको सबको ललित जी ने सम्मानित भी किया, सभी छात्राओं को बड़ा अच्छा लगा कि आगे भी भविष्य में ललित जी इस कार्य को बढ़ाएंगे। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके साथ खड़े हैं हमारे स्वर्गीय श्री नरेंद्र भारद्वाज जी के छोटे भाई अजय जी। आज मैं निवेदन करूँगा अजय भारद्वाज जी, आज आपका परिवार बहुत आगे फल फूल रहा है, आज इस परिवार के बारे में जो इतनी सुंदरता से कैंप लगाए अब बताएंगे, पूरा शहर उमड़ा है। हमें प्रथम तिथि पुण्यतिथि पर तो मंडी सैनी में त्रिवेणी लगाई थी और फल फूल वितरित किए थे, आज हमारे बड़े भाई नरेंद्र भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर सैकड़ों की संख्या में ब्लड कैंपें हमारे जो यूनिटें दी हैं मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और एक इतिहास रचा है, पूरा शहर ही उमड़ा है। मैं सभी शहरवासियों का और सभी संस्थाओं का और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका स्टाफ का सभी संस्थाओं का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारद्वाज परिवार पर आप इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया जय भाई। और हिंदू महासभा की मैं देख रहा हूँ शिवाज साहब बहुत सुंदरता के साथ पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं, आज शिवाज साहब आ रहे हैं पूरी टीम के साथ आए हैं, आपको कैसा लगा? आप तो मित्र रहे हैं इनके और इस परिवार के साथ, आप तन मन से जुड़े हैं, दिन रात काम करते हैं, आज इस परिवार के बारे में और आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी के बारे में जो कैंप लगाते हैं कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, आज पिछले 2 साल के बाद हमने हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी की पुण्यतिथि पे जो ये प्रोग्राम किया है इनके परिवार ने, मैं इस पूरे भारद्वाज परिवार की इस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हर साल इसी तरह से रक्तदान शिविर लगाते रहें। और मेरी एक इसमें एक नई कड़ी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि होश के हम पूरा अब 1 साल और ट्राई करेंगे, हम नेत्रदान भी करवाने की कोशिश करेंगे, इस कड़ी में मैं भी इनके साथ रहूंगा। मैं 2000 से भाई नरेंद्र जी से जुड़ा हुआ था, इन्होंने ही मुझे हिंदू महासभा के लिए प्रेरित किया, और जो हरियाणा का प्रभारी
होते हुए इन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी पूरी टीम ने, नरेंद्र जी ने पूरी मेहनत करके हमने पूरे हरियाणा का नाम भी हिंदू महासभा में पूरे राष्ट्र स्तर पे रोशन किया है। तो मैं इनके परिवार को इनकी दूसरी पुण्यतिथि पे फिर बहुत बहुत बधाई व आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से हर साल बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करते रहें। धन्यवाद शिवाज साहब, बहुत बहुत आभार। और मेरे साथ एक और ऊर्जावान साथी खड़े हैं, आज अभी इस परिवार के अंग हैं। शिवाज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आपको कैसा लगा आज ये प्रोग्राम? देखिए, जिस प्रकार से स्वर्गीय नरेंद्र भारद्वाज जी ने एक अमिट छाप छोड़ी थी समाज के लिए, और एक पत्रकारिता में जो एक अलग उन्होंने रास्ता चुन के और आम जन की आवाज को आगे पहुंचाने का काम किया था, वही रास्ता आज उनके सपुत्र ललित भारद्वाज जी, गुरप्रीत जी, पंकज जी सभी मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि पर ये जो रक्तदान शिविर हुआ है, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उम्मीद है कि पूरा परिवार, जो नरेंद्र भारद्वाज जी ने एक अच्छी राह दिखाई थी, उस राह पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए इसी प्रकार समाज के जो कार्य हैं वो करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथी, धन्यवाद। और मेरे पास खड़े हैं एक और साथी, युवा साथी है जिनके कंधे में बहुत देश का भार है और प्रदेश अध्यक्ष के साथ और पूरी टीम के साथ चलते हैं। साथी आज आप आए हैं, हासिम आपका स्वागत है। कैसा रहा आपकी टीम का ये रक्तदान शिविर? आज हमें पता चला कि नरेंद्र भारद्वाज की दूसरी पुण्यतिथि है, तो हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्रिगेड की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और हमने आके यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। और मैं यही कहता हूँ, ब्लड डोनेट दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सिद्धनवा से स्पेशल यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ आके ब्लड डोनेट किया है। हम कहते हैं खून दान करना बहुत ही बड़ा दान है। रक्तदान महादान। आइए मैं एक मिनट लूंगा, हरियाणा पोल खोल के सुप्रीमो जिन्होंने पूरे पिछले साल से डंका बजाया, अंबा ज्वेलर्स खड़े हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं और मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा आज, और मैं ललित भाई से, आप दो आप तीनों भाई जबरदस्त मेहनत करते हैं, मुरलीधर जी हैं और आप हैं गुरमीत जी हैं, आपने जबरदस्त ये जिम्मा उठाया हरियाणा पोल खोल का। आप ललित भाई पूरी सेवा करते हैं, आज आपने पूरा शहर उमड़ाया, देखा हूँ पूरे शहर से, हर वार्ड से, कोने से, गांव से, सोरगी से, मुंडाड़ते और तो सोनीपत के कहाँ कहाँ से आई है लोग, ये प्रेम बरसाया आपने, इस किसकी प्रेरणा से आपने ये सारी जान जी जान लगाई, किसकी प्रेरणा पीछे आपके? गुप्त शास्त्री, सबसे पहले तो मैं हाशी की जनता का धन्यवाद करता हूँ। जब भी हाशी की जनता को या जो हमारे मिलने वाले हैं और जब भी आवाज़ लगाई, सभी कंधे से कंधे मिलकर हमारे साथ खड़े नजर आए। आज बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस सबसे पर देखने को मिला कि पूरा शहर के जो समाज सेवी है, राजनीतिक दलों के नेता है, लेट आए या पहले आए, सभी ने यहाँ हाजिरी लगाई, सभी यहाँ पहुँचे और बाबूजी को पुण्यतिथि पर उन्होंने सदस्यमन प्रति किए और किन्होंने रिक्तदान भी किया है। और देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पहुँचे, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, हमें एक ही कॉल की थी, एक ही बार उनको मैसेज किया था और मैसेज पर ही बुला पर आए। और मैं तो इतना कहता हूँ कि रात और दिन हो, जब भी मुझे आवाज़ लगाते हैं मैं उनके साथ खड़ा नजर आता हूँ। और जब मैंने आवाज़ लगाई तो हाशिए के लोग हैं जो मेरे मिलने वाले हैं, सभी ने मेरा साथ दिया, मैं सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ये कहना है हरियाणा पोल खोल के सुप्रीमो भाई ललित जी का, जो दिन रात ये काम करते हैं और ये मंच के माध्यम से, इसके माध्यम से कहा है। आप कभी बुलाइए, भाई ललित आपके साथ रहेगा। और मेरे साथ खड़े हैं युवा साथी, और आज आप आए पूरी टीम के साथ आए, आज इस हाँसी की नगरी में पहुंचे, एक बार इसके बारे में बताएंगे, रक्तदान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और रक्तदान महादान ये तो हर मतलब जितना हो उतना युवा टन युवा लोग इकट्ठे हो गए ने, ये रक्तदान शिविर करना चाहिए। ललित जी और पंकज जी इन जो प्रोग्राम कराया है, श्री नरेंद्र भारद्वाज जी की दूसरी पुण्यतिथि पर तो अच्छा प्रोग्राम कराया है, उनकी मार्गों पर चलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका मैं आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और क्या नाम है, ललित जी का, पंकज जी का, कमल जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। एक बार बोलें वंदे वंदे भारत माता की। आइए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमेशा हमेशा
हमारी नहीं बन सके से गर्मी है जिस तरह से भारद्वाज साहब ने सबका सम्मान किया है, इसी तरह से कैंप लगाए हैं, एनवायरमेंट के बारे में पेड़ पौधे लगाए हैं, उसी तरह से ही अब रक्तदान देकर देश की सेवा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हरियाणा के सबसे सुंदर ग्राम पंचायत धाराफुल की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, टीम नरेश यादव की तरफ से भी आपको हाथ जोड़ के प्रणाम। रक्तदान महादान समस्त भारद्वाज परिवार का धन्यवाद, और हमारी टीम की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको जब भी हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आते रहे हैं और आते रहेंगे। हासी जो अग्रणी विकास हासी को अग्रणी ले जाने के लिए चाहे विकास के मामले में हो चाहे शिक्षा के मामले में हो हम आपके साथ रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे लिए श्री गौरव संपत जी आज के मुख्य अतिथि, SDM मोहित पैराड़ा जी, राधे राम श्याम जी सैनी, हमारे महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेश गुप्ता जी, प्रेम सिंह मलिक जी, सुमन शर्मा जी, रीतू सैनी जी, गायत्री देवी जी, रामपाल सुराज जी, यशपाल सैनी जी, राजेश कासड़िया जी, अजय सैनी जी, जयसिंह पाली जी, वह हमारे बहुत ही प्रखर पत्रकार भरवाल जी, आप सभी का बहुत यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, धन्यवाद। और आगे है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मरणोपरांत हमारे शेर के अंग भी लोगों के लिए दान करें तो बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा हमारी तरह आप भी आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए ताकि हस्ती में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। राजनीति एक अपनी अलग जगह है लेकिन जब समाज एकता की सामाजिक एकता की बात आती है तो ये जैसे आप सारे एक मंच पर बैठे हैं हम हमेशा ऐसे ही एक मंच पर रहेंगे और हमें रहना भी चाहिए। बात रही रक्तदान शिविर की, रक्तदान शिविर में आज भी हमारी टीम से भी और मैं गायत्री देवी जी की टीम से भी 20 बंदे और आए हैं। मैं चाहूँगा इन्होंने तो टारगेट बहुत कम रखा है और ब्लड बहुत ज़्यादा होने वाली है तो जो ब्लड लेने हमारे जो ऑफिसर्स आए हैं डॉक्टर्स आए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन का आप आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पति वो है जिन्होंने 1.5-2 लाख हार बार जीत कर दिए SDM श्री मोहित जी, ये वो बेटी है गांव की शहर की तमाम प्रदेश और देश की है मेरे वतन के लोगों को से गीत
उसको आशीर्वाद करती हूँ। और एक बार मैं रोकूं आई जो बुलाइए, मैं निमंत्रित करूंगा ये बच्चे आए, इसके बाद इस बेटी का प्रोग्राम हो, फिर साथ में जाना है, बहुत जल्दी जाना है क्योंकि काम बहुत जरूरी है, इनको मैंने रोक रखा। और मैं निमंत्रित करूंगा, आइए गीता जी ने जो नाम है वो तैयार रहे, गीता जी ने जो नाम, और ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम चलता रहेगा, आपकी आवाज़ इस तरह बुलंद रहेगी, विनोद शैली।